लोगों ने? अभी पटना जिले में परमिशन का कोई नहीं हम लोगों को पत्र मिला है, उन्होंने चेक कराया है। परमिशन का अभी तक कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान तो कर दिया कि मानव श्रृंखला का निर्माण आज किया जाएगा। अभी से कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे का वक्त रखा गया है और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच राज्य भर में आज किसान विरोधी बिल के खिलाफ मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। इसके लिए उन्होंने बिहार की तमाम जनता को आमंत्रित तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी भूल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिला प्रशासन से इसको लेकर कोई भी अनुमति नहीं मांगी है। देर रात शुक्रवार तक कोई भी पत्र नहीं दिया गया जिला प्रशासन को। अब इसको लेकर खास करके राजधानी पटना में पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है और उनका कहना है कि अगर कोई भी अमानवीय घटना घटती है या किसी भी तरह का दंगा फसाद होता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पटना के डीएम ने साफ कहा है कि इसको लेकर हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, पहले आप सुनिए। लोगों ने अभी पटना जिले में परमिशन का कोई नहीं हम लोगों को पत्र मिला है, उन्होंने चेक कराया है। परमिशन का अभी तक कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर कैसे वो लोग करेंगे? अगर मानव श्रृंखला वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, वो हम लोग देखेंगे अगर होता है तो। अभी तो हमको कोई सूचना ही नहीं है। अगर आयोजित होता है तो जो भी नियमानुसार हम लोग देखेंगे। प्रशासन ने राजद की मानव श्रृंखला की अनुमति नहीं दी है। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक उनके पास इसको लेकर शुक्रवार की देर रात तक पार्टी की ओर से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई। इसको देखते हुए पटना शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थानों को अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही एसडीओ और एसडीपीओ को अपने अपने इलाके में भ्रमणशील होकर विधि व्यवस्था बनाए रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। पटना शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर 50 मजिस्ट्रेट, 50 पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। मानव श्रृंखला के दौरान विधि व्यवस्था भंग होने और ट्रैफिक बाधित होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पटना के डीएम ने साफ कहा है कि इसको लेकर कोई भी सूचना उन तक नहीं दी गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन लेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर राजधानी पटना में पूरी तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से एक्टिविटी बढ़ गई है। 50 मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल की तैनाती जगह जगह पर की गई है। इसके अलावा जो कुछ भी खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।